वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। और सबसे पहले मैं आप सारी बच्चों को आज बाल दिवस पर, चिल्ड्रंस डे पर शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और जो भी बच्चे अपने जिंदगी में परिश्रम कर रहे हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, आज का दिन उनके लिए विशेष होना चाहिए। जिस दिन वो एक तय कर ले कि वो अब बाल नहीं रहेंगे बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी लेकर चलने की कोशिश करेंगे, ताकि उन पर माता पिता उनके गर्व कर सके। तो टुडे आई एम विद अ न्यू सेगमेंट फ्रॉम डेली डोज शीट वन, एंड दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ डेली डोज शीट वन। दिस इज इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी ये सेगमेंट जो है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेगमेंट है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें मीन्स धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या है हमारे पास। Now you can see here idioms and phrases, okay? पांच idioms होंगे आपके पास, और इन पांच idioms के पांच exercises भी आपको दी गई। जरूर तैयार करें, धीरे धीरे ये आपके भंडार में मीन्स आपके ज्ञान के भंडार में बढ़ता जाएगा, okay? पहला idiom है, जैसा कि आप देख सकते हैं, a beehive। और बी हाइव आप समझ सकते हैं, बी मीन्स मधुमक्खी होती है और हाइव मीन्स उसका छत्ता होता है, उसे बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं, तो इसीलिए जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं उसे हम बी हाइव कहते हैं। अ वेरी बिजी प्लेस है, अ वेरी बिजी प्लेस यानी अ बी हाइव एक व्यस्त जगह। अगर हमको इसका यूज करना हो बी हाइव का, तो ही डज नॉट विश, वह नहीं चाहता है टू लिव हियर, यहां रहना। क्यों वह यहां रहना नहीं चाहता है? एज क्योंकि इट इज अ बीहाइव, क्योंकि यह एक बहुत ही व्यस्त जगह है, अर्थात अ बीहाइव अ वेरी बिजी प्लेस। नेक्स्ट इडियम दूसरा है आपका बैक बर्नर। आप जानते होंगे जो बर्नर यानी गैस में, गैस चूल्हे में जो बर्नर पहले होता है हम उसे प्रीफरेंस देते हैं, और जो बर्नर पीछे होता है बैक में होता है हम उसे प्रीफरेंस नहीं देते हैं, समझते हैं ना? तो वैसे ही बैक बर्नर अगर एक इडियम बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि ऐसे मुद्दे या ऐसे इश्यूज, ऐसे मैटर्स जिन पर हम महत्व नहीं देते हैं, जिनको वो बैक बर्नर कहलाते हैं, जैसे इनसिग्निफिकेंट इशू या मैटर। कोई भी अगर एक महत्वहीन मुद्दा है या मामला है तो हम उसे बैक बर्नर कहते हैं, ओके? यानी जिसे ज्यादा महत्व न दिया जाए वो बैक बर्नर होता है। अगर हम यूज करें डजंस ऑफ केसेस, यानी बहुत सारे ऐसे मामले हैं वर पुट ऑन, जिन्हें रख दिए गए द बैक बर्नर, क्या मान करके? महत्वहीन मान करके। तो कहीं भी कोई कहे कि यह चीज बैक बर्नर है, यानी इस चीज का महत्व नहीं है। थर्ड है आपका कॉल द शॉट्स, ये एक प्रभावी व्यक्ति को कहते हैं, मीन्स जो प्रभावी हो या फिर जो निर्देश दे सकता हो, ही इज कॉलिंग द शॉट्स। तो कॉल द शॉट्स मीन्स बी इन चार्ज, क्या होना? प्रभावी होना या निर्देश देना, तो प्रभावी होना और निर्देश देना। हु इज कॉलिंग द शॉट्स इन दिस हाउस, यानी इस घर में कौन प्रभावी है और कौन निर्देश दे रहा है, यानी कॉल द शॉट्स मींस बी इन चार्ज। तीन हमारे पास idioms यहां हुए, अ बीहाइव, अ वेरी बिजी प्लेस, बहुत ही व्यस्त जगह, बैक बर्नर यानी एन इनसिग्निफिकेंट इशू और मैटर, यानी कोई चीज जिसे महत्व न दिया जाए, कॉल द शॉट्स मींस टू बी इन चार्ज, यानी इन चार्ज होना, प्रभावी होना और निर्देश देना। और ये चौथा और पांचवा हमारे पास है, लास्ट चौथा है डेमोकल्स शोर। ये कई बार एग्जाम्स में दिया गया। डेमोकल्स शोर आप समझ सकते हैं, एक्चुअली सिसिली में एक राजा डायनेसियस सेकेंड था, तो उसका एक ऑब्सिक्वियस कर्टियर था, मीन्स एक चापलूस दरबारी था, उसका नाम था डेमोकल्स।
डेमोक्रेट्स को ऐसा लगता था कि राजा डायोनिसियस सेकंड जो है वो बहुत ही आराम का जीवन जी रहा है, बहुत फॉर्चुनेट है, वो राजा है। ये चीज डायोनिसियस को खलती थी कि डेमोक्रेट्स उसके बारे में ऐसा सोचता है कि राजा बहुत अच्छी लाइफ जीता है। एक दिन डायोनिसियस सेकंड ने डेमोक्रेट्स से कहा कि आप मेरे स्थान पे एक दिन के लिए राजा बन जाओ और फिर आप देखो। डेमोक्रेट्स बहुत खुश हो गया। वो जब राजा बना तो उसके ऊपर, सिंहासन के ऊपर, डायोनिसियस सेकंड ने क्या किया, एक बड़ी सी तलवार एक घोड़े के बाल से लटका करके टांग दी। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं वो तलवार कभी भी टूट करके राजा के ऊपर गिर सकती है। तो एक दिन जब वो रहा तो उसे पता चला कि उस तलवार ने निरंतर उसे परेशान किया। दिस इज योर डेमोक्रेट्स सोर्ड या द सोर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स। ओके, मींस कांस्टेंट थ्रेट, यानी लगातार बने रहने वाला खतरा या इमिनेंट पेरिल। इमिनेंट मींस आगामी और पेरिल मींस खतरा, यानी जो खतरा कभी भी आ सकता हो वह डेमोक्रेट्स सोर्ड कहलाता है, यानी निरंतर बना रहने वाला खतरा। द सोर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स इज हैंगिंग, यानी खतरा बना हुआ है ओवर द हेड ऑफ द चीफ मजिस्ट्रेट, यानी चीफ मजिस्ट्रेट के सर पर निरंतर खतरा बना हुआ है, यानी कभी भी कुछ भी उनके साथ हो सकता है। तो डेमोक्रेट्स सोर्ड मींस अ इमिनेंट पेरिल या कांस्टेंट खतरा, मींस कोई खतरा जो हमारे आप ऊपर लगातार बना हुआ हो वह डेमोक्रेट्स सोर्ड या द सोर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स। और लास्ट है ईगल आईज। आप समझते होंगे ईगल आईज मींस बाज की आंखें। बाज के बारे में तो आप जानते हैं ना, बाज की जो नजर होती निगाह वो चूक नहीं सकते, अपने शिकार को बहुत आसानी से पहचान लेता है। तो अगर कोई व्यक्ति ईगल आईज है, इट मींस वो किसी चीज को बहुत क्लोजली क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उसे वॉच करता है। तो ईगल आईज मींस वन, एक ऐसा व्यक्ति दैट ऑब्जर्व्स विद क्लोज अटेंशन, जो किसी चीज पर बहुत गहरे ध्यान से ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है, वह ईगल आईज होता है। बहुत ही ध्यान से सभी चीजों को देखने वाला ईगल आईज है। यू कैन नॉट डिसीव हिम, आप उसे धोखा नहीं दे सकते हो। क्यों? एज ही इज, यहां इज रहेगा, ही इज एन ईगल आईज, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो चीजों को बहुत क्लोजली क्या करता है, वॉच करता है। तो पांच एडियम्स हमारे पास हो गए ना। ये पहला आपने पढ़ा, और बीहाइव। और बीहाइव मींस ए वेरी बिजी प्लेस, एक स्थान जहां बहुत व्यस्त हो। बैक बर्नर, कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा मामला जो बहुत इनसिग्निफिकेंट हो, इंपॉर्टेंट ना हो। कॉल द शॉट्स, टू बी इन चार्ज, अर्थात प्रभावी होना, निर्देश देना। डेमोक्रेट्स सोर्ड मींस एक ऐसा खतरा जो आसन्न हो, हमेशा आपके ऊपर बना हुआ हो। और ईगल आईज मींस कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हो। ओके, अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारे एग्जाम में दिया जा सकता है या दिया जाता है। तो कैसे दिया जाता है, कैसे तैयार करें, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। दिस इज एक्सरसाइज ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है कॉल द शॉट्स, समझ सकते हैं कॉल द शॉट्स, अगर आपको याद हो गया होगा टू बी इन चार्ज, ये होगा तो कॉल द शॉट्स का हो जाएगा आपका बी इन चार्ज, यानी प्रभावी होना, किसी चीज की निगरानी रखने वाला जो व्यक्ति है वो कॉलिंग द कॉल द शॉट्स करता है। नेक्स्ट है आपका है ईगल आईज, है ईगल आईज याद हो गया, कौन सा व्यक्ति होता है ईगल आईज, वो होता है जो किसी चीज पर क्लोजली वॉच करता है। क्या हो जाएगा आपका, ये क्लोज ऑब्जर्वर हो जाएगा। क्लोज ऑब्जर्वर वो व्यक्ति है जो किसी चीज को गहनता से ध्यान से देखता है। और ये लास्ट आपके तीन चार पांच है। तीसरा है डेमोक्रेट्स सोर्ड, याद हो गया होगा आपको, डेमोक्रेट्स सोर्ड मींस आसन्न खतरा, जो खतरा हमेशा आपके ऊपर बना हुआ रहता है वो आपका डेमोक्रेट्स सोर्ड है। ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट थ्रेट या
इमिनेंट पेरिल में कोई खतरा जो निरंतर हमारे आपके ऊपर बना हुआ हो वह डेमोकल्स सोर्ड है। सेकेंड लास्ट है अ बीहाइव। अ बीहाइव याद हो गया, अ वेरी बिजी प्लेस, यानी ये हो जाएगा अ वेरी बिजी प्लेस। और लास्ट है आपका बैक बर्नर, याद हो गया बैक बर्नर मीन्स एन इनसिग्निफिकेंट इशू आर मैटर, तो क्या हो जाएगा ये इनसिग्निफिकेंट इशू। ये आज के पांच एडियम्स एंड फ्रेजेस हैं आपके, जो आप एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं, मेहनत करेंगे आपको तैयार हो जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे सारे कई सौ आपके ये चीजें तैयार मैं करा दूंगा, बस आप बिलीफ रखें, विश्वास करें, ये चीजें रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी। हर रोज करीब करीब मैं कोशिश करूंगा एक आपको एक सेट आपको दिया जाए। ये अलग अलग सेट्स हैं, एक शीट में कम से कम नहीं तो 25 के आसपास एडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरा शीट वन का सेट वन अभी चल रहा है, सेट टू थ्री फोर फाइव हो जाएगा, आप तैयार करते रहें। कल मैं क्या करूंगा, कल इकट्ठा पूरा, यानी जो शीट वन का सेट फर्स्ट सारे दिए गए हैं उनको सारे एक साथ में कर दूंगा। यानी जो पहला आपने सुपरफ्लुअस एग्जांपल्स पढ़ा था, जो दूसरा आपने प्रीपोजिशंस पढ़ा था, तीसरा आपने लॉजी एंड स्टडी वर्ड्स पढ़ा था, चौथा जो आपने कल फ्रेजल वर्ड्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, और आज जो आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े हैं उन्हें विद एक्सरसाइज में एक साथ कर दूंगा। जिस बच्चे का छूट गया होगा वो पूरा एक साथ देख सकता है, और जो बच्चे पढ़े यहाँ पे वीडियो पे वो बच्चे निश्चित चाहे पूरा एक साथ क्या कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, उतना तैयार कर सकते हैं। तो तैयार रहेगा कल के लिए, एक साथ सारा आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।